जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आज मैं आप लोगों को माता कालरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के सातवें दिन की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के स्वरूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहते हैं और उन्हें अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी भी नहीं होता है। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के चार हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गडास है और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के दो हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं और इनका वाहन गंधर्व यानी कि गधा है। तो चलिए अब हम कथा आरंभ करते हैं। जब दैत्य शुभ, निशुम्भ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास आए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध करने के लिए कहा और भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुम्भ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत उत्पन्न हो गए। इसे देखकर दुर्गा ने अपनी तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत रक्त बीज का वध किया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया, तो इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। तो दोस्तों ये है माता कालरात्रि के जन्म की कथा। और अगर आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी माँ कालरात्रि की कथा को पढ़ या फिर सुन सके। इससे पहले मैंने जो देवियाँ होती हैं जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, इन सभी की कथाएं अपने चैनल पे डाली हुई है। तो आप सब अगर उस कथाओं को भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलूँगी एक नए कथा के साथ। माता रानी के एक अन्य स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनकी कथा के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों से विदा लेती हूँ माता रानी का नाम लेकर के। जय माता दी।